तो स्टूडेंट्स, हमने बेंजीन पर अलग अलग ग्रुप लगा के नेमिंग सीख लिया, नेफ्थलीन पर ग्रुप लगा के नेमिंग सीख लिया, फिनान्थ्रीन पे ग्रुप लगा के नेमिंग सीख लिया, एंथ्रासीन पे ग्रुप लगा के नेमिंग सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि पाइरीडीन, फ्यूरेन, थायोफीन और पाइरोल, इन पे अगर हम अलग अलग ग्रुप लगाते हैं तो नेमिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेमिंग आप सब्सिट्यूटेड पिरिडीन या पाइरीडीन, जो भी आप बोलें, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग पाइरीडीन बोलते हैं, कुछ लोग पिरिडीन बोलते हैं। जी, आप सब जानते हैं कि ये बेंजीन के ही जैसा स्ट्रक्चर इसका भी होता है, बस यहाँ पर 6 कार्बन में से 5 कार्बन ही रहते हैं। बेंजीन, जैसे बेंजीन में 6 कार्बन, यहाँ पर 5 कार्बन और एक नाइट्रोजन होता है, इसे हम पिरिडीन कहते हैं। तो इस पिरिडीन का जो पैरेंट नेम है, जी, हमेशा आप बोलेंगे पिरिडीन या पाइरिडीन, जो आप प्रोनाउंसिएट करते हैं बोल सकते हैं पिरिडीन। और जब भी इसका आप IUPAC नेम लिखेंगे तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, इसके IUPAC नेम में भी वही तरीका है। सबसे पहले हम पता करेंगे ग्रुप प्रीफिक्स है कि सफिक्स, मतलब एक हम लिखेंगे प्रीफिक्स और दूसरा पैरेंट नेम जिसका नाम पिरिडीन है, फिर लिखेंगे सफिक्स, ये याद। अच्छा, बहुत सारे ग्रुप होंगे जिसमें क्या प्रीफिक्स होता है क्या सफिक्स होता है हम जानते हैं। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो हमेशा प्रीफिक्स के रूप में यूज होते हैं, समझ में आ गया, ये भी हमें पता है। तो ग्रुप लगा करके आप इनकी नेमिंग चाहें तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इसकी नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन से नंबरिंग करेंगे, जो हेट्रो एटम है। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम नाइट्रोजन एटम, हम नंबरिंग नाइट्रोजन एटम से स्टार्ट करेंगे, इस बात को याद रखना। बिल्कुल, तो इसकी नंबरिंग नाइट्रोजन को हम इसको 1 बोलेंगे। अब हम इसे, अगर इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा है तो हम क्लॉकवाइज भी नंबरिंग कर सकते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज भी नंबरिंग कर सकते हैं, पर नाइट्रोजन 1 बुलाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, अलग अलग ग्रुप लगा के हम आपके सामने इसकी नंबरिंग नेमिंग करते हैं। तो आप जान लीजिए, अगर कभी पिरिडीन ऐसे लिखा हो, पैरेंट नेम इसका पिरिडीन है, नाम में पहले प्रीफिक्स, अगर कोई प्रीफिक्स है तो वो पहले लिखाएगा, कोई सफिक्स है तो बाद में लिखाएगा, और पैरेंट नेम आप पिरिडीन है, इस बात को याद रखना। यहाँ पर मैंने लिखा 2-peroxyl, या हमने लिखा ये 3-peroxyl, फोर पर नाइट्रो, 5 तो आप लिख सकते हैं इसके नाम, लिखना चाहें तो इसका लिखेंगे, ये 1 कार्बन, ये 2, नंबरिंग में भाई नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे, पर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे तो क्लोरीन को कम पोजीशन प्राप्त होगा, ये 2 कार्बन पर क्लोरीन है, बाकी 3 कार्बन पे कुछ नहीं, 4 पर कुछ नहीं, 5 पे कुछ नहीं, 6 पर कुछ नहीं है। तो आप लिख देंगे इसका नाम 2-chloro-pyridine, इसका नाम हो जाएगा 1-2-3-chloro पिरिडीन, ओके, इसका नाम हो जाएगा 1-2-3-4-nitro पिरिडीन, इसका नाम हो जाएगा। अब देखो इसे 1-2-3, यहां पर हम एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग कर रहे थे, यहां पर नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे और हम क्लॉकवाइज चलेंगे ताकि नाइट्रोजन नजदीक आ जाए, तो 1-2-3, इसका नाम हो जाएगा 3-nitro पिरिडीन, ओके। नेक्स्ट, एक और बात बताऊं मैं यहां पे, कि यहां पर जो 2 पोजीशन पे क्लोरीन अटैच है, याद रखिएगा, हम अगर एक और नाम पूछे, यहां पर हमने यहां पर भी एक क्लोरीन लिख दिया, तो इसका नाम हो जाएगा 2,6-dichloropyridine,
नाम अब आप मिटा के मत लिखना, आपको फिर से लिखना पड़ेगा 2,6-dichloropyridine। अच्छा अगर हमने यहाँ पर क्लोरीन लिख दिया तो फिर नंबरिंग यहाँ से ये क्लॉकवाइज स्टार्ट हो जाएगी, 1,2,3,4, 1,2,3,4,5, 2,5-dichloropyridine, इस बात को याद रखना। अगर हमने यहाँ पर नाइट्रो लिख दिया तो नंबरिंग लोवेस्ट लोकेन सम रूल द्वारा होगी। लोवेस्ट लोकेन सम रूल मतलब ये साइड ग्रुप को कम लोकेशन, इनके लोकेशन को जोड़ने पर वैल्यू कम प्राप्त हो, तो नंबरिंग में ये नाइट्रोजन को 1,8 पोजीशन देंगे, फिर इसके बाद ये 2 पोजीशन, फिर ये 3 पोजीशन, फिर ये 4 पोजीशन, ये 5, ये 6, और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, याद रखिएगा, इसमें नाम हो जाएगा 5-chloro-2-nitro पिरिडीन या पायरिडीन, ऐसे इस कंपाउंड की नेमिंग हम कर सकते हैं। 4-nitro-pyridine लिखना है तो आप लिख सकते हैं 4-nitro-pyridine। अच्छा कुछ भी ग्रुप यहाँ पर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने कोई ग्रुप लगा दिया, सपोज हमने लगा दिया यहाँ पर सल्फोनिक एसिड SO3H, SO3H जो होता है SO3, देखो नाइट्रो और जो क्लोरो होते हैं ये कभी भी सफिक्स के रूप में नहीं लिखे जाते, ये हमेशा प्रीफिक्स के रूप में लिखे जाते हैं, ये आप जानते हैं, ये हमेशा पहले लिखे थे, पहले लिखाते हैं। लेकिन जो सल्फोनिक ग्रुप होता है ये सफिक्स के रूप में लिखाता है, इसका सफिक सल्फोनिक एसिड होता है, तो आप लिख सकते हैं 4-nitro-pyridine, देखो 4-nitro 1,2,3,4 4-nitro-pyridine 1,2,3,4 4-nitro-pyridine 3 सल्फोनिक एसिड। हो गया, इसका नाम हो जाएगा 3-nitro-pyridine। कोई भी ग्रुप लगा दो या इस हिसाब से चाहें तो नेमिंग आप कर सकते हैं जो सब। अब बहुत सारे जितने फंक्शन ग्रुप आपने लिख रखा है वो सारे फंक्शन ग्रुप को उसी हिसाब से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिख दीजिए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए लेकिन नंबरिंग बदल जाएगी क्योंकि जैसे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप दोनों आ गया, ये कार्बोक्सिलिक मेन फंक्शन ग्रुप हो जाएगा, ये मेन प्रीफिक्स मेन फंक्शन ग्रुप हो जाएगा, ये S2 के रूप में यूज होता है, तो नंबरिंग में ये जो आप नंबरिंग NO2 को प्रायोरिटी देते हुए कर रहे थे, नंबरिंग में हम किसको प्रायोरिटी देंगे, नाइट्रोजन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये हो जाएगा 5-nitro जी पोजीशन में 5-nitro-pyridine कार्बोक्सिलिक 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ये थे पिरिडीन की नेमिंग। अब हम देखेंगे फ्यूरेन, थायोफीन और पायरोल की नेमिंग कैसे करते हैं। ओके, अब सुनो, ये तो इसके नाम पे क्वेश्चन आता, इसके आइसोमेरिज्म पे कैसे क्वेश्चन आ सकता और कैसे क्वेश्चन बनता है इस पे पिरिडीन। जैसे मैंने बोला, एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन हाउ मेनी मोनोक्लोरोपिरिडीन आर पॉसिबल, ऑप्शन 1, B2, C3, D4, E5, कितने मोनोक्लोरोपिरिडीन संभव हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैसे इसको समझेंगे आप, कि आप पिरिडीन का एक हाइड्रोजन हटा दें और उसमें एक क्लोरीन जोड़ दें तो ये बन जाएगा मोनोक्लोरोपिरिडीन, क्लोरोपिरिडीन बन जाएगा। एक ही क्लोरीन का पिरिडीन है, अगर ये 2 क्लोरीन का होता तो डाइक्लोरोपिरिडीन हो जाता, 3 क्लोरीन का होता तो ट्राइक्लोरोपिरिडीन हो जाएगा। तो ऐसे एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि पिरिडीन के कितने मोनोक्लोरो नाम संभव, मोनोक्लोरोपिरिडीन आपको नाम देना, मतलब एक बार क्लोरो और फिर पिरिडीन नाम देना, ठीक है। तो याद रखिएगा पिरिडीन में कुल कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, देखो इसका मतलब हुआ कि पिरिडीन में कुल 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है और हर 5 कार्बन पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है,
एग्जामिनर ये पूछना चाहता है कि इनकी हाइड्रोजन को हम हटाएं और यहाँ पर क्लोरीन लगाएं, तो कितने मोनोक्लोरोपिरिडीन हमसे पॉसिबल हैं, ये आगे फ्यूचर में आइसोमेरिज्म में पूछा जा सकता है आपसे। लेकिन मैं अभी अभी अगर आपको ये पता है, इसे हम फ्यूचर में वापस डिस्कस करेंगे, तो अगर आपको पता है तो यहीं पर आप इसका जवाब पा सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर अगर हमने यहाँ का क्लोरीन हटाया तो एक बना सकते हैं क्लोरोपिरिडीन, अगर हमने यहाँ का क्लोरीन हटाया तो एक ही आइसोमर बना सकते, आइसोमर का नाम अभी आप दिमाग में मत लो, एक ये मोनोक्लोरोपिरिडीन बन सकता है, एक मोनोक्लोरोपिरिडीन ये बन सकता है, ठीक है, एक मोनोक्लोरोपिरिडीन इसके बनने के चांसेस हैं। ध्यान से देखो कि नाइट्रोजन के इस कार्बन पे क्लोरीन जोड़ दिया, एक मोनोक्लोरोपिरिडीन इसके बनने के चांसेस ऐसा भी दिख सकता है। चांसेस है। अब याद रखना इसमें इनका आप लिखेंगे नाम आईयूपीएसी मेथड से, अगर नाम एग्जैक्टली सेम हो जाए तो वो दो अलग अलग केस नहीं माने जाएंगे, और अगर नाम सेम है तो उसे एक ही केस माना जाएगा, ठीक है। जैसे इसका नाम लिखेंगे तो ये नाइट्रोजन का वन कार्बन, ये टू कार्बन, ये थ्री कार्बन, ये फोर कार्बन, ये फाइव कार्बन, ये सिक्स कार्बन, तो इसका नाम लिखेंगे टू क्लोरोपिरिडीन। तो यह एक केस हो गया टू क्लोरोपिरिडीन, हम यहीं से स्टार्ट करते। जब भी इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा वन टू थ्री, थ्री क्लोरोपिरिडीन। ये एक दूसरा केस हो गया, मैंने इसका नाम लिखा देखो वन टू थ्री फोर क्लोरोपिरिडीन, ये इसका तीसरा केस हो गया। फिर हमने इसका नाम लिखा, अब जब इसका नाम लिखेंगे तो इसे हम फाइव क्लोरोपिरिडीन नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी नंबरिंग जो होगी नाइट्रोजन से स्टार्ट होगी पर क्लॉकवाइज के बजाय यहाँ हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ये कार्बन वन, ये कार्बन टू, ये कार्बन थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा थ्री क्लोरोपिरिडीन। और थ्री क्लोरोपिरिडीन नाम पहले आ चुका है, अर्थात ये रिपीटेड नेम है, नॉट न्यू, इट्स रिपीटेड नेम। ऐसे इस कंपाउंड का नाम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्लोरोपिरिडीन मत बोलना, इसका नाम बोलना, क्या बोलना, ये वन कार्बन, ये टू कार्बन, ये थ्री कार्बन, ये फोर कार्बन, ये फाइव, ये सिक्स, तो बोलना टू क्लोरोपिरिडीन, एंड टू क्लोरोपिरिडीन इज ऑल्सो ए रिपीटेड नेम, है ना, इट्स ऑल्सो रिपीटेड, ये भी नहीं होगा। तो अगर कोई बोले कितने मोनोक्लोरोपिरिडीन संभव हैं, तो आप बोलेंगे तीन मोनोक्लोरोपिरिडीन संभव हैं। ऐसे ही एग्जामिनर बोल्स पूछ सकता है कितने डाइक्लोरोपिरिडीन संभव हैं, ये भी आप बता सकते हैं, इसके लिए थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। कितने मोनोक्लोरोनेप्थिलीन संभव हैं, कितने मोनोक्लोरो एंथ्रासीन संभव हैं, कितने मोनोक्लोरोफिनांथ्रीन संभव हैं, इस पर भी एक सवाल बनता, याद रखना हम सीख लेंगे, इसी मेथड से हम सीखेंगे। आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें बच्चे अक्सर गलत करते हैं, अब गलती नहीं होगी आपसे। मोनोक्लोरोपिरिडीन का मतलब हुआ कि किसी भी कंपाउंड के एक हाइड्रोजन को हटा के एक क्लोरीन लिखो, और जो अलग अलग नाम बनेंगे वो सब मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कहलाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, ये तो पिरिडीन की नेमिंग हो गई, अब हम सीखते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो पांच मेंबर है, जो है पाइरोल, फ्यूरेन, थायोफीन, उसका आईयूपीएसी मेथड से नेमिंग कैसे करते हैं, और उसमें ऐसे सवाल कभी आए तो हम कैसे हैंडल करेंगे। ओके, देखो पांच मेंबर के रिंग जो है आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड,
हैविंग फाइव मेंबरिंग, या फाइव मेंबरिंग, फाइव मेंबर लिख लो पहले, फाइव मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग हम कैसे करते हैं? ओके, अब इसके जो पैरा नेम आपको याद रखने पड़ेंगे, नाइट्रोजन अगर है ये, इसका नाम होता है पाइरोल, ऑक्सीजन है तो फ्यूरेन, सल्फर है तो थायोफीन। एक का नाम सीखेंगे, बाकी नाम हम जान लेंगे। इसका जो पैरेंट नेम यही लिखे गए हैं, अगर ये रिंग नजर आए नाइट्रोजन वाली तो इसे हम पाइरोल कहेंगे, ऑक्सीजन वाली नजर आए तो फ्यूरेन बोलेंगे, सल्फर वाली नजर आए तो ये थायोफीन होगा। पैरेंट नेम यही होगा जो ऊपर लिखा, डिपेंडिंग ऑन रिंग। इसका भी नाम देने के लिए हम क्या करेंगे, पैरेंट नेम पहले प्रीफिक्स, फिर पैरेंट नेम, फिर सफिक्स लिखेंगे, और इसकी नंबरिंग भी हम उसी प्रकार से करेंगे। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हेट्रो एटम से, ये वन एटम, ये टू एटम, ये थ्री एटम, ये फोर एटम, ये फाइव। आप इसकी नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं और क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, ये वन एटम, ये टू एटम, ये थ्री एटम, ये फोर एटम, ये फाइव एटम, ये वन एटम, ये टू एटम, ये थ्री एटम, ये फोर एटम, ये फाइव एटम। ये मत कहना कि सर एक में एंटी क्लॉकवाइज बाकी में क्लॉकवाइज क्यों है, अगर इस पर कोई ग्रुप नहीं प्रेजेंट है तो कहीं भी से कर सकते हैं, पर कोई ग्रुप आ गया तो नंबरिंग उसके अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा कुछ नाम, जैसे ये लिखो, इनके नाम लिखो। हाँ बस हो गया, नंबरिंग करेंगे नाइट्रोजन से, ये वन एटम, वन टू थ्री फोर फाइव, वन क्लोरो, सॉरी टू क्लोरो पाइरोल, टू क्लोरो पाइरोल, इसका ये वन एटम, ये टू एटम, ये थ्री एटम, थ्री क्लोरो पाइरोल, इसका ये वन एटम, ये टू एटम, ये थ्री एटम, ये फोर एटम, ये फाइव एटम, क्या नाम हो जाएगा, थ्री मिथाइल पाइरोल। इसका दो तरीके से, वन मिथाइल पाइरोल या एन मिथाइल पाइरोल भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा, ये बार बार पाइरोल का ई छूट जा रहा है, आप यहां लिख लेंगे ई। यदि यही क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूं, सेम क्वेश्चन वापस, जी मैंने यहां लिख दिया ओ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर तो खैर कोई ग्रुप लग नहीं सकता यहां पर, क्योंकि अगर आपने लगा दिया तो इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहां पर। जी अभी इसका नाम लिखे आप लोग, जहां पाइरोल लिखा है वहां पर क्या हो जाएगा, फ्यूरेन, जहां पाइरोल लिखा है वहां क्या हो जाएगा, फ्यूरेन। कोई और ग्रुप लगा दें तो
चलो यहाँ पर एक और ग्रुप लगा दे नाइट्रो, हो गया, ये हो जाएगा फ्यूरेन, फ्यूरेन, फ्यूरेन। अच्छा इसका नाम तो अभी अब बाकी है, इसमें हमने मिथाइल भी नाइट्रो लगा दिया, तो ये मिथाइल्स के बाद आएगा फोर नाइट्रो फ्यूरेन। इस प्रकार से आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो पांच मेंबर के हैं इनकी नेमिंग आपने सीख ली। ओके जी, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। 3-methyl 4-nitro फ्यूरेन। थैंक यू सो मच।